हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चटाको बाय हर्षा। आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा उत्तपम। इसके लिए मैंने सूजी को पहले से आधे घंटे पहले भिगो दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा दही, नमक और चीनी डाल के भिगोया था। अब इसमें हम वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, हरी मिर्च और अदरक। इन सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा काट लिया था। अब मैं इसको हैंड चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी। वेजिटेबल्स चॉप हो जाए बाद में उसको हम जो भिगोया हुआ सूजी था उसमें ऐड कर देंगे। सारे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अभी हम देख सकते हैं कि सूजी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, भीग के फूल गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। आपको बहुत पतला बैटर भी नहीं बनाना है, पर अपने हिसाब से आप उसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम उत्तपम के लिए बैटर बनाते हैं उतना गाढ़ा बैटर रेडी कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, थोड़ा सा नमक क्योंकि मुझे वो कम लग रहा था बैटर में, और थोड़ी सी चीनी, वो फिर से मिला के अब एक तड़का लगा देंगे। तो तड़के के लिए यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल लिया है 3 चम्मच जितना, उसमें 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच जितना राई। तड़का ठीक से हो जाए लास्ट में हींग और करी पत्ते हम डाल देंगे। अब हमारा तड़का रेडी हो गया है। दूसरी तरफ हम बैटर में थोड़ा खाने का सोडा या मीठा सोडा या सोडा बाइकाप वो ऐड करके उसके ऊपर ये तड़का डाल के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए तो दूसरी तरफ मैंने जो डोसा का तवा होता है वो गरम करने के लिए रख दिया था, उस पर तेल लगाएंगे और फिर बैटर को उस पर फैला के उत्तपम बना देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े उत्तपम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के उत्तपम बना रही हूँ और ऊपर से मैंने सांभार मसाला और चाट मसाले का मिक्सचर करके रखा हुआ है, वो स्प्रिंकल कर रही हूँ जिससे ये और चटपटा बन जाए। उसको ढक के थोड़ी देर एक साइड पे पका लेंगे और फिर तेल लगा के उसको पलट के दूसरी साइड पे थोड़ा सा पका लेंगे। आपका उत्तपम दोनों साइड से अच्छे से पक जाए तो उसमें प्लेट में निकाल के आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वेजिटेबल्स ऊपर डालने चाहिए, पर ऊपर डालने से बच्चे होते वो खाते भी नहीं है। इसमें बच्चे आराम से वेजिटेबल्स सारे खा भी लेंगे और मुझे भी वैसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आपके उत्तपम रेडी हो जाए तो उसको सर्व कर दीजिए। यहाँ पे मैंने घर की बनी हुई कोकोनट की चटनी है वो लिया है
और उसके साथ मैं गर्मा गर्म उत्तपम सर्व कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।